हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सिमी और मम्मी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही यम्मी और झटपट से तैयार हो जाने वाला पिकल, जो कि हमें ये खाने में और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इसमें आंवला है, नींबू है, गाजर है, सभी हेल्दी चीज़ है। और आजकल के जो इम्यून पावर को टाइट करने के लिए भी हमें ये सब बहुत ही हेल्पफुल रहता है ये सब। तो आज हम इसे झटपट बना के तैयार करेंगे और इसे मैं कैसे तैयार करूँगी चलिए देख लेती हूँ। तो पहले मैंने इस यहाँ आंवला ले लिया है, उसमें हम अदरक भी डालेंगे, गाजर डालेंगे, हरा मिर्च भी डालेंगे और नींबू चाटो मैंने ले लिया है। और चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सभी चीज़ों को धो लिया है और अभी इसमें इसे कपड़े में डाल के अच्छे से पोंछ लेंगे। फिर गाजर को छील के हम छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे सभी चीज़ों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इन सभी चीज़ों को लंबे साइज में काटा है, क्योंकि ये ना जल्दी इस तरह से काटने से लंबे और थोड़े मोटे साइज में काटा है, ताकि इस तरह से काटने से ना ये जल्दी गलता नहीं है और इसका जो क्रंचीनेस रहता है ये खाने के टाइम में बरकरार रहता है, तो बहुत ही टेस्ट लगता है। अब हमने जो चार नींबू लिए थे उसमें से दो नींबू को कट करके इसमें निचोड़ देंगे। और इन निचोड़े हुए नींबू के छिलकों को फेंकेंगे नहीं, हम इसे भी कट करके इसी अचार में डाल देंगे। और बाकी के जो दो नींबू है उसे भी कट करके हम इसे फोर पीसेस में या तो फिर सिक्स पीसेस में कट कर लेंगे। तो हमने नींबू को, जो हमने दो नींबू रखा था उसे इस पीस में काट लिया है। आप अचार के लिए कोई भी सभी पीसों को अपनी मर्जी से काट सकते हैं, लेकिन इस तरह से काटने से क्या होता है कि इसका क्रंचीनेस बरकरार रहता है। तो अब हम इसमें बाकी के जो चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ें, ज़्यादा चीज़ भी नहीं लगती इसमें, तो इसमें अभी पड़ेगा नमक और हल्दी। तो स्वाद अनुसार हम नमक ले लेंगे और हल्दी भी हम डाल देंगे। तो अब इसके बाद हम इसे मिला के थोड़ी देर रख देंगे और फिर हम थोड़ा सा सरसों लेके उसे डायरेक्ट पीस के इसमें डालेंगे। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर मिक्स करने के बाद रखेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो अचार है हमने मिला के रख दिया था थोड़ी देर और इसका कलर देखिए कितने अच्छे से आया है। तो मैंने इसमें सरसों भी 2 चम्मच के करीब मिक्सी करके इसमें डाल दिए हैं और मैंने अभी इसे मिक्स नहीं किया, और 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें सरसों का तेल भी डाला है, मस्टर्ड ऑयल। तो आपने देखा इसमें जितने भी है इंग्रेडिएंट्स हैं सारे ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आजकल बहुत ही वायरस वायरस फैला हुआ है। ये सब हम डेली यूज़ अगर लाएंगे खाने के डेली यूज़ में तो हमारे इम्यूनिटी को ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट करता है, हमारे डाइजेशन पावर को बहुत ही अच्छा करता है। तो इसे हम खाने में अगर डेली यूज़ करेंगे खाने के साथ थोड़ा, तो इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए,
और इसे हम मिक्स करके अच्छे से फिर इसी बर्तन में थोड़ी देर छोड़ देंगे। फिर हम कोई भी अच्छा सा डब्बा देख के उसमें या बॉटल की शीशी में डाल के रख लेंगे। इसे आप आराम से जभी भी झटपट बना के तैयार कर सकते हो और इसे रोटी के साथ, राइस के साथ, दाल भात के साथ बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इसे आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और अपने डेली के जो खान पान में है अगर इसे यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक भी रहेगा, आपके डाइजेशन को बहुत ही परफेक्ट करेगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। आपको आज का रेसिपी मेरा कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ जिस चैनल का नाम है सिमी और मम्मी। बाय।